हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसा लगता है जैसे शिमला चले जाएं। शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने घर पे ही आपके लिए ठंडक का इंतज़ाम किया है। मैंने बर्फ़ के गोले बनाए हैं और ये इतने कूल हैं कि बच्चे तो बच्चे बड़ों का भी देखते ही खाने का मन करे। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने एक छोटा गिलास पानी डाला है। पानी डालने के बाद एक कटोरी पिसी हुई चीनी मिलाएंगे और इसका मैंने थोड़ा सा थिक मटेरियल बनाया है। शुगर सिरप बनाने के बाद इसको मैंने छान लिया है। छानने के बाद मैंने चार कटोरी ली है। चार कटोरी में मैं अलग अलग तरह का कलर बनाऊंगी। उसके लिए मैंने चारों कटोरियों में सिरप को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं यहाँ पर फूड कलर लूँगी, रेड, ग्रीन और येलो। अब सबसे पहले मैं ग्रीन कलर बनाऊंगी। इसमें मैंने 1/3 स्पून कलर ऐड किया है। देखिए कितना सुंदर ग्रीन कलर बन के तैयार हुआ है। ऐसे ही 1/3 स्पून ऑरेंज कलर भी ऐड किया है। और इसी तरह से मैंने येलो कलर भी बनाया है। अब मैं ब्लैक कलर बनाऊंगी। ब्लैक कलर के लिए मैंने 1/3 स्पून ऑरेंज कलर और उतना ही मैंने ग्रीन कलर ऐड किया। इस तरह से ये ब्लैक कलर बन गया। अब इसमें मैं एक एक चम्मच गुलाब जल ऐड करूंगी। और केवड़ा भी डालूंगी। केवड़ा और गुलाब जल का फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद मैंने ये आइस क्यूब लिए हैं। आइस क्यूब को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते समय ध्यान रखेंगे कि मिक्सी के जार को पूरा नहीं भरना है। देखिए आइस क्यूब क्रश हो गए हैं और कितनी एकदम वाइट कलर की बर्फ बनी है। अब मैं बर्फ़ का गोला बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक छोटा सा कांच का गिलास लिया है और उसमें क्रश की हुई बर्फ़ डाली है, इस तरह से। उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालने के बाद आइसक्रीम स्टिक लगाई है। स्टिक लगाने के बाद हाथों से बर्फ़ को प्रेस करेंगे जिससे अच्छे से बर्फ का गोला बन जाए, इस तरह से। बर्फ़ का गोला बन गया है। अब मैं एक फाइबर का गिलास लूँगी। गिलास में मैंने 3 से 4 चम्मच शुगर सिरप ऐड किया है। गिलास में इसको डिप करेंगे और ऊपर से इसमें येलो कलर डालेंगे। देखिए कितना सुंदर बर्फ का गोला बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही हम बाकी के और भी गोले बनाएंगे। अब हम
काला खट्टा बर्फ़ का गोला बनाएंगे। उसके लिए मैंने ब्लैक कलर में एक चम्मच लेमन जूस डाला है और आधा चम्मच चाट मसाला डाला है। इससे इसका फ्लेवर और भी टेस्टी हो जाएगा। आपने अक्सर बर्फ़ का गोला खाया है काला खट्टा वाला, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके लिए भी हम पहले जैसे ही बनाएंगे, पहले इसमें बर्फ़ डालेंगे ग्लास में, उसके बाद उसमें आइसक्रीम स्टिक लगाकर बर्फ़ का गोला बनाएंगे। फिर हम एक फाइबर का ग्लास लेंगे, उसमें ब्लैक कलर डालेंगे और बर्फ़ का गोला निकालकर उसमें डिप करेंगे और थोड़ा सा ब्लैक कलर ऊपर से डालेंगे। देखिए कितना टेस्टी काला खट्टा बर्फ़ का गोला तैयार है। अब हम ऐसे ही एक और बर्फ़ का गोला बनाएंगे। देखिए ऑरेंज कलर का और ग्रीन कलर का बर्फ का गोला तैयार है। चलिए इसको बनाते हैं और खाते हैं, फिर से बचपन को एक बार जीते हैं। आपको मेरी ये बर्फ का गोला कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको खाते ही एकदम ठंडक का एहसास होगा। इस भयंकर गर्मी में अगर आपको कुछ ठंडा खाने का मन करे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।